यस कंटिन्यू करेंगे क्लास को. हमने भी आपको बता दी थी मैं, उसमें आने का टॉपिक है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होना, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना. उसके लिए टर्म यूज करिए स्पर्मेटोजेनेसिस. मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी करने के लिए मेन दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्पर्मेटिक और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस. तो पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटिक. स्पर्मेटिक को फर्दर इजी समझने के लिए थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज. आप डायग्राम भी देखते रहिए और समझते रहिए. सबसे पहले क्या हो रहा है, जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव फेज है उसमें माइटोटिक डिवीजन है. सबसे पहले आपको इस चीज को क्लियर करना होगा, अगर माइटोटिक डिवीजन है तो मतलब 2n, और मियोसिस डिवीजन है तो nb सेल का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. ठीक है, मतलब अगर माइटोटिक डिवीजन है तो सेल क्या हो रही है, 2n है, और अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो सेल कैसी है, n हाफ में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होता है जो कि डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल, जिसे हम गोनोसाइट्स की गोनोसाइट्स बोलते हैं. ये आपकी जर्म सेल है जो कि 2n है. इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, पहली सेल दो सेल में डिवाइड हो गई. फर्दर ये सेल दो सेल में डिवाइड हो गई. अगेन एंड अगेन वो क्या हो रही है, डिवाइड होती ही जा रही है. जो एक बनी है सेल्स, जहाँ पे मैंने आपको फोर सेल्स शो करी है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया. उन्होंने वही कहा है गोनोडोसाइट, ये डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल गोनोडोसाइट की फॉर्मेशन हुई है. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड एंड राउंडेड स्पर्म मदर सेल. डिप्लॉयड है, राउंडेड है, और इसको नाम दिया है स्पर्म मदर सेल, कि इस मदर सेल से स्पर्म की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, जिसको स्पर्मेटोगोनिया नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया, स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, समझ में आया. जर्म सेल है 2n थी, माइटोटिक डिवीजन हुआ, दो सेल में डिवाइड हुई, 2n में ही डिवाइड है, मतलब ये भी 2n है वो भी 2n है. फर्दर दो सेल में डिवाइड हुई, किसमें है, 2n है, 2n है, 2n है, 2n है. ठीक है, इसे बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, तो ये जो मदर सेल स्पर्म मदर सेल्स बनी है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. अब यहाँ पर बहुत बड़ी खासियत है, स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप की सेल्स फॉर्म कर रही है, एक स्टेम सेल और दूसरी नाम बोले एक स्टेम सेल है और दूसरी एक कंट्रोल करो ग्रोथ फेस. दूसरी ग्रोथ फेस का नाम दिया गया है. जो उन्होंने कहा है जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स स्टेम सेल की तरह काम करती हैं, मतलब इसको एक नाम फर्दर नाम दे दिया टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, दूसरी जो सेल्स है वो सेम मूव इन बॉल एंड एंटर ग्रोथ फेस. ठीक है, जैसे कि ये बहुत सारी सेल्स हैं, उन्होंने कहा इसमें से कुछ सेल्स क्या स्टेम सेल की तरह ही काम कर रही है. स्टेम सेल का मतलब है फर्दर अगेन एंड अगेन एंड अगेन डिवाइड होती जा रही है, दो में फिर दो से फर्दर दो और चार में, चार से आठ में, लेकिन उनमें से कुछ सेल डाउनवर्ड ग्रोथ कर रही है. ठीक है, डाउनवर्ड इनवर्ड ग्रोथ कर रही है और किसमें चली जाती है, ग्रोथ फेस में चली जाती है. तो ये आपका था कौन सा डिवीजन, मल्टीप्लिकेटिव फेस, जिसमें सेल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अगेन एंड अगेन एक से दो सेल में डिवाइड हो रही है, लेकिन वहां पर 2n में ही वो डिवाइड हो रही है और स्पर्म मदर सेल की फॉर्मेशन हो रही है. अब आ जाइए ग्रोथ फेस. ग्रोथ फेस बहुत इंटरेस्टिंग है. ग्रोथ फेस में क्या हो रहा है, जो स्पर्मेटोगोनियम है इसे सिंगल सेल है इसलिए इसको नाम दे दिया स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. ये देखिए साइज ऐसा था, कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया. क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे न्यूट्रिशन अपटेक कर रही है और अपनी साइज की ग्रोथ कर रही है. देखिए इंक्रीज इन साइज ट्वाइस, लगभग डबल हो जाता है बाय न्यूट्रिटिव मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. एंड यहाँ पर ही मेन रेप्लिकेशन होता है डीएनए का. रेप्लिकेशन आगे पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी किस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. अभी आप सिर्फ इतना समझिए, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल क्या हो रही है, अपना अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर रही है प्लस रेप्लिकेशन की प्रोसेस करती है साइटोप्लाज्म के अंदर एंड फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अभी भी यहाँ पर जो सेल बनी है कैसी है, 2n है, इसलिए इसको कहा गया है डिप्लॉयड. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अभी तक सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, तो इसको नाम दिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब यहाँ पर जो आपकी स्पर्मेटोसाइट है ग्रोथ फेज छोटी फेज है, बस इतना ही फंक्शन हो रहा है ग्रोथ फेज में कि वो ग्रोथ कर रही है. नेक्स्ट फेज है आपकी मैच्यूरेशन फेज. मैच्यूरेशन फेज ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर शो कर रही है. देखिए मैच्यूरेशन फेज में अगेन अब क्या हो रहा है, मियोसिस. अभी तक माइटोसिस हो रहा था,
अभी इस फेज में क्या हो रहा है, मियोसिस। यहाँ पर दो टाइप, दो फेज में मियोसिस हो रहा है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ मियोसिस है, इसलिए लिखा है मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो रही है रिडक्शनल और हेटरोटिपिकल डिवीजन। हेटरोटिपिकल क्यों कहा गया, दो में डिवाइड हो गए। ठीक है, और हेटरोटिपिकल के थ्रू ये हैप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन कर रही है। देखिए, हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस सेल, ये दो सेल थी, डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड। ठीक है, ये अब फर्दर मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो गई। एक ये हैप्लॉयड, एक ये हैप्लॉयड, इसलिए लिखा है एन। ठीक है, और एक इस सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इन ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो 23 ये, 23 ये, तो वही हो गए 46, तो ये आपके 46। ठीक है, इसमें 46 थे, फर्दर ये जब डिवाइड हुई तो 23 इधर आ गए और 23 इधर आ गए। तो इसलिए उन्होंने कहा रिडक्शनल, कि रिड्यूस हो गए। ठीक है, एंड हेटरोटिपिकल, अलग अलग। ठीक है, फर्दर क्या हो रहा है, सेकेंडरी मियोसिस होगा। हैप्लॉयड, हैप्लॉयड इसकी बात कर रहे हैं, हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ईच 23 क्रोमोसोम। फर्दर कौन सा डिवीजन हो रहा है, सेकेंडरी मियोसिस हो रहा है। और ये जो सेकेंडरी मियोसिस हो रहा है, अब इक्वेशनली एंड होमोटिपिकल, इक्वेशनली हो रहा है और होमोटिपिकल। होमोटिपिकल मतलब सेम सेल फॉर्म बन रही है, इससे दो सेल बनी, इससे दो सेल बनी, लेकिन यहाँ पर एन ही है अभी भी। ठीक है, और ईच में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसे हेट्रो लिखा 46 से 23 में डिवाइड हुई, लेकिन जब यहाँ से डिवाइड हो रही है यहाँ पर, तो ये भी 23 है, ये भी 23 है, ये भी 23 है, ये भी 23 है, इसलिए इसको नाम दिया है होमो। ठीक है, वहां पे कहा था हेट्रोटिपिकल, यहाँ पर होमोटिपिकल डिवीजन हुआ। ठीक है, होमोटिपिकल डिवीजन हुआ और टू हैप्लोइड स्पर्मेटिड, एक सेल ने दो क्या बनाए हैं, स्पर्मेटिड, हैप्लोइड स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करी है। और इस एक हैप्लोइड स्पर्मेटिड से एक स्पर्म की फर्दर फॉर्मेशन होती है, मतलब एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, थैंक यू।